भूख के साथ बैठी हुई थी या उनकी अपनी दरकार थी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो अभियान का एक बड़ा अभियान इस देश में चालू हुआ और 2003 के आसपास एक योजना बनी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की हमारी जो नदियां हैं, खासकर काली सिंह, पार्वती, चंबल, ये नदियां हमसे लगी लगी है और इन नदियों का लाभ दोनों राज्यों की जनता को मिलना चाहिए। योजना बनी, योजना आगे बढ़ती, उसी बीच माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनी और उसने इस योजना को डंप करा दिया। ये हमारे लिए वर्तमान का समय और भाग्यशाली है जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतने गंभीर महत्व के इस विषय को हाथ में लिया और हमारी सरकार मध्य प्रदेश में तो बनी थी लेकिन राजस्थान सरकार ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। माननीय मदनलाल जी इस संबंध में बताएंगे लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जैसे ही माननीय मदनलाल जी की सरकार बनी और हमारी तो मध्य प्रदेश सरकार पहले से उस इशू पर बैठी हुई थी जिसके आधार पर ये एक बड़ी योजना का लाभ हमारे ये लगभग मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास इतने जिलों में न केवल पेयजल की और औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी बल्कि इसमें काफी बड़े पैमाने पर हमारे लगभग 7 डैम जो बनेंगे 35,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी उसमें मोटे तौर पर कल्पना है, आगे भी बढ़ेंगे लेकिन अभी कुछ इशू बाकी है। अभी रात तक अभी हमारे दोनों राज्यों के अधिकारी लेवल पर इस पर चर्चा बाकी है। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के हित में शाम तक कोई इस मुकाम तक पहुंचे। तो आज मैं इस कारण से मध्य प्रदेश से चल करके यहाँ आया हूँ और मैं बाबा महाकाल की नगरी से रहता हूँ। जल ही जीवन है, जल के देवता के आधार पर हम तो अपनी संस्कृति को मानते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सायंकाल दिल्ली तक ये मुकाम तक पूरा समझौता बनेगा और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसी हमारी आशा आकांक्षा है निश्चित रूप से जनता के हित में हम लोग, मैं उम्मीद पालता हूँ कि निश्चित रूप हम होपफुल हैं कि शाम तक ये हमारा आपस का एमओयू पूरा होगा। मेरी अपनी ओर से जब ये योजना पूरी हो जाएगी तो हमने इसमें कई सेक्टर में काम करने का निर्णय किया है। बड़े पैमाने पर पर्यटन की संभावना रहेगी, औद्योगिक निवेश का बड़ा एक एरिया तैयार होगा, पेयजल की समस्या हल होगी, शैक्षणिक संस्थानों को खुलने का मौका मिलेगा, धार्मिक पर्यटन के केंद्र इसमें बनेंगे, ऐसे बहुत लाभ मिलेंगे। बड़े पैमाने पर बड़ी आबादी और सबसे बड़ी सिंचाई का बहुत बड़ा बेल्ट खुलेगा जो हमारे एक तरह से ड्राई एरिया है उनमें एक वापस पंजाब हरियाणा की याद आएगी और ये हमारा राजस्थान मध्य प्रदेश का इलाका बहुत समृद्ध होगा। इसी अपेक्षा मैं माननीय मदनलाल जी से, या आप संचालन कर रहे हैं तो संचालन करता हूं। मुख्यमंत्री जी, मैं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय मदनलाल शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भाई मोहन जी यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि लगातार हमारी जब से सरकार बनी लगातार बातचीत चल रही थी और मैंने निवेदन किया मोहन जी से कि ये बहुत ही आवश्यक राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए योजना है और इस योजना को जैसा कि बताया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि अटल बिहारी जी का सपना नदी से नदी जोड़ने वाले सपने में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान आ रहा था। उस समय माननीय अटल जी के समय में इसकी नींव रखी गई थी लेकिन उसके कुछ दिन ही बाद कांग्रेस की सरकार आ गई। उसके बाद हमारी 2013 में सरकार आई, हमने फिर से इस पर काम किया, इसकी डीपीआर बनाने का काम भी उसमें हुआ योजना। लेकिन उस समय के बाद में जैसे ही हमने इस योजना को दिया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार इधर, जब वहां सरकार भाजपा की, इधर यहां कांग्रेस की सरकार। देखो मित्रों, इसमें इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। किसी काम को करने के लिए उसकी इच्छा शक्ति हो तो वो काम परिणति पर पहुंचता है। उन्होंने सिर्फ
इस पर राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर के हमारे राजस्थान के 13 जिले हैं, लगभग 2,80,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी इसमें होगी, 13 जिलों को पानी भी इसमें मिलेगा। इससे जुड़े हुए कई विषय इसमें होंगे, कई छोटे छोटे उद्योग के क्षेत्र में अगर काम तो वो काम भी होगा। हमारे इसके आधार पर कई हमारे वन क्षेत्र हैं जिनमें इसका लाभ मिलने वाला है, और प्रमुख रूप से पेयजल की जो समस्या हमारे राजस्थान के 13 जिलों में थी उसका समाधान भी होने वाला है, क्योंकि थोड़ी सी कोई वह हो जाएगी तो निश्चित रूप से विश्वास है कि इस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आपसे राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की जनता से जो वायदा किया, निश्चित रूप से जल्दी हम इसको परिणति तक पहुंचाने वाले हैं। आज कुछ इशू हैं, कुछ प्रमुख बातें हैं, उन सभी का समावेश भी होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो राजस्थान की जनता को आस थी, काफी समय से लोग कहते थे कि हमें पानी मिलना चाहिए, निश्चित रूप से वो काम होगा, इतना मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप सभी शॉर्ट नोटिस पर आए, आपको धन्यवाद।